स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने चैनल जीके स्पेशल पर। आज हम इस वीडियो में खोज और आविष्कार के बारे में महत्वपूर्ण 25 सवाल देखेंगे, तो अंत तक वीडियो पे जरूर बने रहे। पहला सवाल, पहला यूरोपीय व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से भारत आया था। सही आंसर है ऑप्शन सी वास्को डी गामा। भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा 17 मार्च 1498 ईस्वी सन में की गई थी, जो कि यूरोप के रहने वाले थे। अगला सवाल, लिक्विड पेपर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए बेसी ने स्मिथ ने, लिक्विड पेपर का आविष्कार बेसी ने स्मिथ ने किया था। मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन डी चार्ल्स बैबेज ने, चार्ल्स बैबेज ने फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन का निर्माण किया था। यह मशीन लिमिटेड प्रकार के कैलकुलेशन करने में इस्तेमाल की जाती थी और चार्ल्स बैबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार सन 1822 में किया था। अगला सवाल, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी लेविस वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस वाटरमैन ने 1884 में यूएसए में किया था। अगला सवाल, साइकिल टायर की खोज किसने की। सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन बॉयन डनलप ने। पहला व्यावहारिक रूप से सफल न्यूमेटिक टायर बनाने का श्रेय जॉन बॉयन डनलप को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1887 में अपने 10 वर्षीय बेटे की साइकिल के लिए इसे बनाया था। उनके टायर में लेदर के हाउस पाइप को ट्यूब की तरह इस्तेमाल किया गया था। काले छिद्र ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी यश चंद्रशेखर द्वारा। ब्लैक होल के सिद्धांत को यश चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। सामान्य सापेक्षता यानी जनरल रिलेटिविटी में एक ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से नहीं बच सकता। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है, जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती है परंतु बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। अगला सवाल, हड़प्पा की खोज किसने की। सही आंसर होगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के कारण हड़प्पा शहर को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला सवाल, हाइड्रोजन की खोज किसने की। सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश एक ब्रिटिश प्राकृतिक दार्शनिक वैज्ञानिक और एक महत्वपूर्ण प्रायोगिक और सिद्धांतिक रसायन तज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। कैवेंडिश उनकी हाइड्रोजन की खोज या जिन्हें वह ज्वलनशील हवा कहा करते थे, इस खोज के लिए विख्यात थे। अगला सवाल, बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंटोनियन ल्यूनोहोक ने। अगला सवाल, डीएनए का आविष्कार किसने किया था। सही आंसर है ऑप्शन ए जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक को 1962 में डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल मिला। इंटरनेट के जनक है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी विंटन जी सर्फ। इंटरनेट के जनक विंटन जी सर्फ और रॉबर्ट इक्वांग को कहा जाता है। अगला सवाल, उपग्रह प्रणाली की स्थापना किसने की थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थर क्लार्क। उपग्रह प्रणाली की स्थापना आर्थर क्लार्क ने की थी। अगला सवाल, पंचवर्षीय योजना का निर्माता कौन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए जोसेफ स्टालिन।
स्टालिन ने रूसी प्रगति के लिए नियोजन की प्रक्रिया पर बल दिया और इसके तहत 1925 ईस्वी सन में उसने योजना आयोग की स्थापना की और द्वितीय विश्व युद्ध तक तीन पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 ईस्वी सन तक लागू रही, जिसका उद्देश्य था पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करना, सोवियत रूस का औद्योगिकरण करना, कृषि का समूहकरण एवं मशीनीकरण करना। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट की खोज किसने की? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज एवरेस्ट ने। माउंट एवरेस्ट की खोज सर जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी और उनके ही नाम पर माउंट एवरेस्ट यह नाम रख दिया। अगला सवाल, कागज का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साइलून। कागज का आविष्कार करने वाले शख्स का नाम है साइलून, जो चीन के रहने वाले थे। इन्होंने 2002 ईस्वी सन पूर्व हान राजवंश के समय में कागज का आविष्कार किया था। इंसुलिन की खोज किसने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग ने की है। अगला सवाल, प्रकाश का वेग की खोज किसने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओलाउस रोमर ने। ओलाउस रोमर ने प्रकाश का वेग की खोज सन 1675 में की थी। अगला सवाल, पैराशूट की खोज किसने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लुइस ए डेनोरमा। दुनिया का पहला व्यावहारिक रूप से सफल पैराशूट बनाने का श्रेय फ्रांसीसी नागरिक लुइस एस डेनोरमा को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1783 में इसका पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। हालांकि 15वीं सदी के दौरान लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहले पैराशूट की कल्पना करते हुए इसका रेखा चित्र भी तैयार किया था। अगला सवाल, धुलाई मशीन की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्वा फिशर ने। एक्वा फिशर ने धुलाई मशीन की खोज की थी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20, कार रेडियो की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विलियम लीर और एल्मर वेवरिंग ने। कार रेडियो की खोज विलियम लीर और एल्मर वेवरिंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1929 को की थी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेएल बेयर्ड ने। जेएल बेयर्ड ने 1927 में टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला सवाल देखते हैं, डिस्क ब्रेक के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन सी, सही आंसर होगा एफ लेचेस्टर। एफ लेचेस्टर ने डिस्क ब्रेक का आविष्कार 1902 में किया था। सवाल नंबर 23, मोबाइल फोन के जनक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर यह एक अमेरिका अभियंता है और इन्होंने दुनिया का पहला मोबाइल फोन 1970 में बनाया था। अगला सवाल, मशीन गन की खोज किसने की थी? मशीन गन की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स पकले ने। जेम्स पकले ने मशीन गन की खोज इंग्लैंड में 1718 में की थी। अगला सवाल, मोटरसाइकिल की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड बटलर ने। एडवर्ड बटलर यह एक अंग्रेजी आविष्कारक थे।